गाइस जैसा आपने देखा अभी हमारा टायर पूरा बोन आउट हो गया है। निलेश ने मुझे एडवाइस किया कि अभी हमको टायर बदलना पड़ेगा, क्या बोलते हैं? यस, मतलब उसका सेंटर का ग्रिप पूरा खत्म हो गया है, अब वो नहीं चलेगा। आप पीछे की बात कर रहे हो कि आगे की बात? पीछे का भी और दो आगे का भी। ओके, दोनों, तो दोनों का सेंटर ग्रिप चला गया, राइडिंग को ग्रिपिंग नहीं मिलेगा। ओके, सो इट प्रेफरेबल है कि वो हटाई दो, पूरा टायर ही निकाल के टायर चेंज करवा दो, अच्छा है। तो नसीब से अभी हार्ली के पास दो पीस पड़ा हुआ था तो काम आसान हो गया। यूजली वेटिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है टायर का, बट इस बार हम उनके लकीली यहाँ पर टायर अवेलेबल था तो मैं सोचा कि लगा ही लेता हूँ, और निलेश भी रेकमेंड करे कि ना लगा ले टायर, तो मैं अभी चेंज करने वाला हूँ टायर फाइनली। तो देखते हैं कैसे चलता है प्रोसेस। सो दीज आर द न्यू टायर्स दैट आई एम गोना बी फिटिंग ऑन माय बाइक। व्हाट डू यू थिंक गाइस, कैसा लग रहा है? लुक्स प्रीटी ऑसम है। तो लकीली या वो पार्ट्स अवेलेबल है, यूजली बहुत मुश्किल से पार्ट्स मिलते हैं, मतलब ऑर्डर करके अर्निंग तो वन मंथ और समथिंग वेट करना पड़ता है, बट इस केस में आई वाज लकी, दे ऑलरेडी हैड अ सेट अवेलेबल विद देम। सो या आई एम हैप्पी बिकॉज अभी एक नया अपडेट आया गाइस, आई माइट बी ट्रैवलिंग टू गोवा अगेन डे आफ्टर टुमारो विच इज़ अ संडे, सो आई नीड टू गेट द टायर्स चेंज्ड। इंस्टॉलेशन ख़त्म हो गया है, माय बाइक इज़ रेडी फॉर गोवा अगेन। अभी वापस गोवा का राउंड मार के आने वाला हूँ, तो यार बहुत मज़ा आने वाला है। द टायर्स आर लुकिंग डैम गुड। अभी आप राइड पे जा रहे हो, टेस्ट कर रहे हो? ओके, सो टेस्ट ऑलरेडी हो गया है बाइक का एंड लुकिंग ग्रेट। मैंने एक्चुअली बाइक में एक नया हॉर्न भी डाला है बिकॉज द अदर हॉर्न वॉज जो स्टॉक का हॉर्न होता है बहुत बेकार है। अभी आपने हॉर्न का आवाज़ सुना भी होगा, अभी उसने जो मारा है हॉर्न, इट साउंड्स गुड। अभी बाइक वॉशिंग के लिए जा रही है और वॉशिंग के बाद मैं बाइक को यहाँ से लेके जाऊँगा और गोवा के लिए प्रेप करूँगा। सो गाइस, टायर मेरा सेट है, बाइक सब रेडी हो गया एंड नाउ इट्स टाइम टू हेड आउट ऑफ हियर, और मेरा ट्रिप अभी वापस शुरू होने वाला है। सो वॉच मी ऑन द ट्रिप वंस अगेन गाइस, कीप वॉचिंग माई चैनल, आई सी यू गाइस सून, बाय बाय।